हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को बताऊंगा वीवो का फंटच ओएस को रिप्लेस करके वीवो का ओरिजिन ओएस आने वाला है। ये ओरिजिन ओएस कब तक आएगा, वीवो का जेड वन प्रो पे ओरिजिन ओएस कब तक मिलेगा, या फिर ओरिजिन ओएस में क्या क्या चेंजेस आप लोग को मिल सकता है, सब कुछ इस वीडियो पे आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर ग्रे कर देना, बगल पे बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक करना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है बॉस लाइक जरूर करना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो फीचर्स मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये आप लोग को नॉर्मल फंटच ओएस पे भी मिल जाता था, बट इसमें ओरिजिन ओएस में ज्यादा एडवांस करके, अगर आप लोग के पास वीवो का कोई एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है उसमें ज्यादा एडवांस करके आप लोग को ये फीचर्स मिलेगा। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चाइनीज़ वगैरह में लिखा हुआ है, ये जो पहला जो मतलब ओरिजिन ओएस रिलीज़ होगा ये चाइना में रिलीज़ होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसका ऑलरेडी लीक्ड स्क्रीनशॉट निकल के आ चुका है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओरिजिन ओएस एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होगा, और ये जो फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन वगैरह है उसमें पहले यहाँ पर आएगा। तो आइकन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर लीक्ड होकर आ चुका है, तो ये जो भी है यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं चाइनीज़ में, आप लोग अगर पढ़ सकते हैं पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है, आइकन्स वगैरह जो भी है, लाइक हम लोग जैसे फंटच ओएस यूज कर सकते थे वैसे टाइप का ही होगा, बट और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा, एनिमेशन और भी ज्यादा हो जाएगा। देखो भाई, एक चीज आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, फंटच ओएस को क्यों मतलब ये रिप्लेस कर रहा है ओरिजिन ओएस से। जो फर्स्ट चीज है, फंटच ओएस बहुत ही अच्छा ओएस है, बट अभी जो बहुत सारा बग्स आ रहा है वीवो जेड वन प्रो, अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा कितना ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, बैटरी ड्रेनिंग इशू या फिर फोन लैगिंग, बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए ओरिजिन ओएस को लेके आ रहा है, बहुत ही लाइट वेट है, सिंप्लिसिटी है, लाइक आप लोग स्टॉक एंड्रॉयड वाला फील पाएंगे। उसके बाद जो मतलब स्मूथनेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो बग्स वगैरह है, बैटरी ड्रेनिंग इशू है, इसमें सब कुछ फिक्स हो जाएगा। इसलिए ये फंटच ओएस को रिप्लेस कर रहा है ओरिजिन ओएस से। इसमें आप लोग और कुछ मतलब स्क्रीनशॉट लिक्ड आया है, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फंटच ओएस जो ओरिजिन ओएस के साथ यहाँ पर आ रहा है, लिक्ड इन्फॉर्मेशन आया है। अभी जो आप लोग को कन्फर्मेशन डेट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीवो रिसेंटली अनाउंस द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कस्टम स्किन फंटच ओएस 11 विथ न्यू फीचर्स कस्टमाइजेशन, हाउएवर इट सीम्स लाइक द कंपनी डजंट वांट टू नो कंटिन्यू विथ इट और सून इट रिप्लेस विथ न्यू ओएस, रीड इट टू नो मोर, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है वीवो टू एडॉप्ट न्यू ओरिजिन ओएस एज पर रिपोर्ट बाई सिक डिवाइस, इट इज लाइक सजेस्टेड दैट वीवो विल अनाउंस न्यू ओरिजिन ओएस एट द वीवो डेवलपर कॉन्फ्रेंस ऑन 2020 विच विल टेक प्लेस ऑन नवंबर 19 को एक कन्फर्मेशन डेट निकल के आया है। वहाँ पर ये एकदम स्पेसिफिकली जो डेट है वहाँ पर आप लोग को बता देगा, नवंबर 19 तक आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद जो भी डेट है आप लोग को वहाँ पर डिटेल में बता देगा। ये चीज़ अभी तक कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताया है, आप लोग को डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ अभी। इसलिए अभी तक आप लोग अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वीवो के फ़ोन लेके, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, और एक दो महीना फेस कर लो प्रॉब्लम, उसके बाद जो भी ओरिजिन ओएस का अपडेट आ जाएगा उसके बाद सभी फ़ोन पे ओरिजिन ओएस फंटच ओएस के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और आप लोग को एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही जो चीज़ था, जो इन्फॉर्मेशन था आप लोग के साथ शेयर करना था, मैं शेयर कर दिया हूँ। अभी जो चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ, अभी अगर आप लोग जो भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वीवो जेड वन प्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोग का जो बिगेस्ट क्वेश्चन है, वीवो जेड वन प्रो पे कब तक ओरिजिन ओएस मिलेगा। देखो भाई, एक चीज़ पहले बता देता हूँ, अभी जो डेट कन्फर्मेशन निकल के आया है ये डेट ओरिजिन ओएस कब रिलीज होगा, लॉन्च होगा, उसके बारे में है। इसके बाद जो वीवो जेड वन प्रो का जो अपडेट ओरिजिन ओएस आएगा शायद दिसंबर में, कन्फर्मेशन डेट अभी निकल के नहीं आया है, जो एज्यूम करके हम लोग बोलते हैं यूट्यूबर्स, वो शायद दिसंबर के एंड तक आप लोग को मिल जाएगा। बट अभी जो नया अपडेट आएगा ओरिजिन ओएस, जो वीवो का फ्लैगशिप फ़ोन है उसमें पहले टेस्टिंग होगा, उसके बाद जो भी वीवो का फ़ोन फंटच ओएस में चल रहा है सब में रिप्लेस हो जाएगा, या फिर वीवो के कुछ भी फ़ोन पे। अभी कुछ भी मत करो, जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इतना दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे भाई, और दो तीन एक दो महीना और झेल लो भाई प्रॉब्लम को, उसके बाद वीवो का जो नया ओएस आ रहा है ओरिजिन ओएस, आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जो कन्फर्मेशन डेट वगैरह है, और वो जो मतलब लिस्ट है अभी तक लिस्ट एग्जैक्टली निकल के नहीं आया, कौन से फोन पे कहां पर मतलब ओरिजिन ओएस कब तक मिलेगा। पहले नवंबर 19 को ये डिक्लेयर होगा कब यहां पर मतलब ओरिजिन ओएस आउट होगा, पहले फ्लैगशिप फोन वगैरह में जाएगा वीवो का, उसके बाद जो लो एंड फोन है सब में ही फंटच ओएस को रिप्लेस करके ओरिजिन ओएस आ जाएगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास था आप लोग के साथ मैं शेयर कर दिया हूं। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, टाटा।